वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टुडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से संबंधित संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार और भर्तियों से संबंधित खबरों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की संपूर्ण भर्तियों से संबंधित खबरें और शिक्षा जगत के समाचार। सीए फाइनल ओमआर सीट का होगा डिजिटल मूल्यांकन। जयपुर, राजनीति के चलते हुए तबादले, डेपुटेशन के आदेश निरस्त, 21 स्थानांतरणों पर बैन, सूची में 21 मंत्री और राजनेताओं के नाम, सभी शिक्षकों को तुरंत अपने मूल स्थान पर जाने का आदेश जारी, डीईओ को किया सस्पेंड। जयपुर, महंगाई भत्ते की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। उदयपुर, अनुकंपा नियुक्ति के 405 प्रकरणों में दी शिथिलता, नियमों में शिथिलता के 2 प्रकरण। जयपुर, 34 साल में भी वन रक्षक क्यों नहीं किया नियमित। जयपुर, एमडीएसयू में सोमवार को निजी कॉलेजों के प्राचार्य प्रतिनिधि से कुलपति ने की चर्चा, निजी कॉलेजों में नकल हुई या गड़बड़ियां मिली तो मान्यता रद्द, मुख्य परीक्षाओं से पूर्व पहली बार निजी महाविद्यालयों से हुआ कुलपति का सीधा संवाद, 24 से शुरू होगी मुख्य परीक्षाएं 2020। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में चयनित विद्यार्थियों को राहत, सीबीएसई में परीक्षा और ओलंपियाड में यात्रा की तिथि आपस में टकरा रही है तो 1 से 15 अप्रैल तक दे सकेंगे परीक्षा अजमेर सीबीएसई। विधि और शिक्षा के परीक्षा आवेदन 20 से भरे जाएंगे अजमेर। बोर्ड परीक्षा सिर पर शिक्षकों को दी जा रही है ट्रेनिंग, शिक्षा मंत्री जता चुके हैं नाराजगी। अजमेर, दो परीक्षाओं के साक्षात्कार पत्र किए अपलोड, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नगर नियोजन सहायक प्रतियोगी परीक्षा 2015 और 2018 के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। शेष रहे पंचायती राज चुनावों में पुनः लॉटरी निकालने के विवाद पर सुनवाई की पूरी, निर्णय सुरक्षित। जोधपुर, करीब 2.5 घंटे की बहस के बाद जस्टिस अरुण बंसाली ने निर्णय सुरक्षित रखने के दिया आदेश, वहीं 30 जनवरी को जारी अंतरिम आदेश को भी बरकरार रखा। तृतीय ग्रेड के एक पद रिक्त करने का आदेश। जोधपुर, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने किया प्रदर्शन। कोटा, चुनाव की तरह चुनौतीपूर्ण है बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन, निष्पक्षता व पारदर्शिता की कसौटी पर खरा उतरे सभी की जिम्मेदारी सचिव। तीसरी संतान दिव्यांग होने पर चाइल्ड केयर लीव का लाभ क्यों नहीं। जयपुर, विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय नागल का बेलगा हुआ मामला, वादा खिलाफी पर फूटा गुस्सा, शिक्षकों और कार्मिकों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर सरकार को चेताया। वार्षिकोत्सव की धूम, होनहार पुरस्कृत, रंगारंग प्रस्तुतियों से बाधा समा। नागौर, महंगाई भत्ते व अन्य मांगों को लेकर किया धरना, सौंपा ज्ञापन। धौलपुर, प्रधानाचार्यों की वाकपीठ संगोष्ठी का शुभारंभ, 2 दिवसीय वाकपीठ संगोष्ठी का शुभारंभ पाटन। सरकार शिक्षा के समग्र उत्थान के लिए संकल्पित, पुजारी, नए सत्र से राजस्थान में छात्रों की मार्कशीट में नजर आएगा आनंदम। प्रदेश भर के स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले छात्रों को मार्कशीट में आनंदम नजर आएगा, एक एक्टिविटी की तरह जुड़ा हुआ है। क्या है आनंदम? उच्च शिक्षा विभाग आनंदम एन एक्सरसाइज इन ट्रस्टीशिप प्रोग्राम के तहत सेमेस्टर में छात्रों को 2 क्रेडिट अंक मिलेंगे। इग्नू ने जयपुर जोधपुर की 1900 डिग्रियां बांटी। जयपुर, सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी लर्निंग एक सराहनीय प्रयास। मेडिकल एजुकेशन, राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीट्स की कमी के चलते स्टूडेंट को नहीं मिल पाता एडमिशन। नीट, 85% पर राजस्थान के छात्रों को नहीं मिल पाता स्टेट कोटे का पूरा फायदा। सीए फाइनल ओमआर सीट का होगा डिजिटल मूल्यांकन। बिट्स पिलानी में नया एआई रिसर्च सेंटर,
कृषि अधिकारियों के लिए इंटरव्यू 5 से, मंत्रियों की सिफारिश पर भी 21 अध्यापकों की शिक्षण व्यवस्था निरस्त, अनियमितता बरतने डीओ को निलंबित करने की सिफारिश बीकानेर, 90,000 स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए 90 केंद्रों पर होगी परीक्षा, राज्य की प्रत्येक डाइट को अकादमिक संबलन के लिए 1.5 लाख का बजट, प्री बीएसटी परीक्षा में एक छात्र 1 रुपये की बचत हुई थी। ₹38 करोड़ गबन के प्रकरण में 6 शिक्षा अधिकारियों सहित 11 कार्मिकों को विरुद्ध सीसीए 16 में चार्जशीट जारी, बीकानेर। शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, समस्याओं के समाधान की मांग सौंपा ज्ञापन, बीकानेर। बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रदर्शन को देखकर रुके डिप्टी सीएम पायलट, वरिष्ठ अध्यापक 2018 का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग, पायलट ने जयपुर में कमेटी के समक्ष मामला रखने का दिया आश्वासन, 9,000 पदों के विरुद्ध 20,000 अभ्यर्थी पास। चित्तौड़गढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी को किया सम्मानित, अजमेर। लोक सेवा आयोग सचिव आशीष गुप्ता कल आएंगे आरपीएससी अजमेर। आरटीई सीमा बढ़ाने पर आदेश जारी नहीं, 1.5 लाख नए प्रवेश होंगे प्रभावित, जयपुर। 5% महंगाई भत्ता लागू करने सहित कई मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। चार राज्यों में शिक्षक मांगों को लेकर दिल्ली में 23 फरवरी को होंगे एकजुट। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग, जयपुर। शाला दर्पण पर विषय अध्यापक मैपिंग नहीं करने पर होगी कार्रवाई, बांसवाड़ा। ग्राम पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण के लिए सौंपा ज्ञापन, डूंगरपुर। परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने पर मंथन, सावला। शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण की मांग, जिला शिक्षा अधिकारी से मिले, सागवाड़ा। माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की 2 दिवसीय वाकपीठ शुरू, शिक्षा में नवाचार के प्रयोग का आह्वान, भीलवाड़ा। वजनपुरा में संस्था प्रधानों की वाकपीठ शुरू। तो दोस्तों ये थे आज के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार, और इसी प्रकार डेली रही बने रही हमारे साथ में, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों।